वैसे इस खेत का भी उतना धान नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा और थोड़ा सा सूख जाएगा, फिर ये हो जाएगा धान अच्छे से। और ये पहले से सूख गया था, तो यहाँ देख सकते हो ऐसे कटाई हुआ है, यहाँ पे पूरा खेत ही खेत है। और इधर काम करने के लाए हैं, तो कुछ खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना मेरी जान। तो हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, इट्स योर सुनील ब्लॉग बैक टू द अगेन विथ एनी वीडियो गाइस। तो गाइस आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने काम पे व्यस्त होंगे गाइस। तो गाइस आप लोग को मैं देख सकते हो पीछे का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस आप लोग को मैं हमारे साइड जैसे भी खेत वगैरह होता है वो सब चीज़ हम लोग को आप लोग को दिखाएंगे। एंड क्या है कि गाइस अपने साइड बहुत जंगल रहता है और देख सकते हो इधर बहुत पेड़ पौधे हैं, और खेती कैसी होती है हमारे साइड वो सब चीज़ दिखाएंगे। और ब्लॉग पे कंटिन्यू रहो गाइस, और इस वीडियो को देख रहे हो यार तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एवरीथिंग। तो चलो मिलते हैं आगे चल के। तो हमारे साइड गाइस देख सकते हो यहाँ पे धान का ज़्यादातर खेती होता है। एंड पहले ब्लॉग पे मैं तो डाला था खेती वाला, तो देख सकते हो यहाँ पे दूर दूर तक बहुत दूर तक खेत है, वहाँ तक बहुत दूर तक खेत है। और इधर पूरा बाकी जगह कटाई वगैरह हो गया है, तो आगे कटाई वगैरह हो गए और इसको बांधने के लिए फिर भारा बोलते हैं, भारा बांधने के लिए जाएंगे उधर, कभी दिखाएंगे कैसे बांधते हैं। और इधर मेरा बाइक खड़ा हुआ है, देख सकते हो दो बाइक है, और इसमें से मेरा MT-15 तो देख रहे हो, और वो पुराना हीरो होंडा स्प्लेंडर जो कि मेरा भाई का है। और इधर देख सकते हो नज़ारा बहुत अच्छा है। तो चलिए अभी आगे का और नज़ारा दिखाते हैं। एंड बाकी दोस्त लोग बिलोंग नहीं करते हैं विलेज वगैरह से, तो उन लोग का खेती खान नहीं रहता, तो बस उन्हीं लोग का है। एंड जो भी है भाई लोग उन लोग के भी है। तो चलिए हम दिखाते हैं आगे चल के। वैसे इस खेत का भी उतना धान नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा और थोड़ा सा सूख जाएगा, फिर ये हो जाएगा धान अच्छे से। और ये पहले से सूख गया था, तो यहाँ देख सकते हो ऐसे कटाई हुआ है, यहाँ पे पूरा नीचे तक ऐसे कुछ कटाई होता है। यहाँ पे उधर भागने के लिए गए हैं, मैं अकेला हूँ उधर, और देख सकते हो ऐसे कुछ रहता है कटाई इधर होता है। और आगे क्या होता है ये सब चीज़ आप लोगों को बताएंगे, हम कंटिन्यू ब्लॉग कर रहा हूँ। इधर देख सकते हो गाइस पूरा खेत ही है मेरा, पूरा खेत ही खेत है। और इधर काम करने के लाए हैं, तो कुछ खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना मेरी जान। अच्छा तो आप भी काम करो, खेती किसानी करते हो तो। और ये सीजन है गाइस हम लोग का ठंड के दिनों में, ये सब चीज ठंड और गर्मी के दिनों में ज़्यादा फसल होता है इधर के। और खेती ज़्यादातर तो धान का ही होता है। तो ब्लॉग पे रहो कंटिन्यू, एंड आप लोगों को दिखाएंगे और भी बहुत सारे वीडियो। गाइस देख सकते हो खेतों के बीच आने के बाद बहुत ही सुकून मिलता है, देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दूर तक है खेत इधर भी। आप लोगों को गाइस ज़्यादा बोलूँगा नहीं, दिखाऊँगा ज़्यादा। हमारे तरफ ऐसे ही होते है गाइस भारा बांधने वाला काम। इसी रस्सी से धान को बांधते हैं, तब भारा बोलते हैं वो। सीताफल मिल गया मेरे को, और ये पेड़।
ऐसे एक जगह इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद मशीन से सभी धान को निकालते हैं। तो ये रहा मशीन गैस, इस मशीन से धान को निकालते हैं और ये काम चल रहा है अभी। तो वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतने गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।